हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर फाजिल एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल क्रेजी गार्डनिंग। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि एडेनियम को किस तरह से रिपोर्ट किया जाता है और इसके लिए एक स्टैंडर्ड सॉइल किस तरह से होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये वही आप यहाँ एडेनियम देख सकते हैं और ये वही एडेनियम है जो अभी 4-5 दिन पहले पूर्णिमा नर्सरी कोलकाता से मुझे एक पार्सल ऑब्टेन हुआ था। तो क्या है कि जब भी आपको पार्सल मिलता है ना, तो आप उस पार्सल को एकदम से रिपोर्ट मत कीजिए। मतलब आपको पार्सल मिला है तो आप एडेनियम को ऐसा नहीं है कि फ़ौरन रिपोर्ट कर दें। उसको एटलीस्ट 2 डेज के लिए वेंटिलेटेड एरिया में रखा जाता है, जिससे कि जो उस पर फंगल इन्फेक्शन है या जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो वो थोड़ा सा जो सरफेस है उसका वो स्पेलाइज हो जाए और वेल वेंटिलेटेड कंडीशन से। फ्रेंड क्या रहता है, हुसैन जाइए आप, तो वेल वेंटिलेटेड कंडीशन से फ्रेंड क्या रहता है कि जो प्लांट स्ट्रेस में होता है वो स्ट्रेस से भी थोड़ा सा आउट हो जाता है। तो मैंने फिलहाल 2 दिन का, तो फ्रेंड आई एम सॉरी फॉर द लुक ऑफ माई प्लेस, थोड़ा सा कुछ काम चल रहा है तो इस वजह से जो है मैं लोकेशन ज़रा अच्छी नहीं ले पाया। जी बेटा आप जाइए। तो लोकेशन मैं अच्छी नहीं ले पाया, बट उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ और अपोलोजाइज करता हूँ। तो फ्रेंड फिलहाल मेन पर्पस हमारा ये है कि जो भी हमें पार्सल एडेनियम का ऑप्टेन हुआ है, हम उसको उस पार्सल को ऑप्टेन करने से रिपोर्टिंग तक किस तरह से क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, उसी के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। तो जैसे हमें पार्सल मिला है तो 2 दिन तक के लिए हमने वेल वेंटिलेटेड एरिया में रखा हुआ है। तो फिलहाल मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, तो आज 5 दिन हो गए, तो मैंने इसको वेल वेंटिलेटेड एरिया में रखा और वीडियो क्लिक करने से 20 मिनट पहले मैंने इसको एक फंजीसाइड पाउडर 1 लीटर पानी में घोल करके और मैंने इसके जो कोडेक्स हैं वो डाल दिए हैं, ताकि इससे जो भी फंगल स्पोर्स होंगे उनकी डेथ हो जाएगी, यानी कि फंगल स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। तो ये तो था कि हमें पार्सल मिला है तो किस तरह से इसको ट्रीट करना चाहिए एडेनियम प्लांट को। अब फ्रेंड बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि इसके लिए सॉइल मिक्सचर किस तरह का होना चाहिए। तो फ्रेंड आप देखिए, यहाँ पर ये मेरे पास सबसे पहले जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो ये सैंड है। तो जो ये सैंड है ये कंस्ट्रक्टेड कंस्ट्रक्शन साइट पर जो यूज़ किया जाता है ये वही है। तो आप ये देखें, ये फ्रेंड इसकी जो क्वांटिटी है ये मैंने 40% लिया हुआ है, और आप क्वांटिटी को अपने अकॉर्डिंग जो है थोड़ा सा इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखें कि हमें एडेनियम के लिए वेल ड्रेन सॉइल को तैयार करना है। तो वेल ड्रेन सॉइल तैयार करने के लिए आप उसमें वो इंग्रेडिएंट मिलाइए जिससे कि पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाए और सॉइल जो है वो सॉगी नहीं रहे। तो यहाँ मैंने फिलहाल जो ये रेत है मेरे पास, इसकी जो क्वांटिटी है वो 40% ली है, और यहाँ पर 20% मैंने गार्डन सॉइल ली है, जो नॉर्मल वाली गार्डन सॉइल होती है वो लिया है। हुसैन नहीं बेटा। और फ्रेंड ये काउडंग कंपोस्ट है, इसकी क्वांटिटी भी 20% है। अब फ्रेंड यहाँ पर जो हमारे पास रेस्ट 20% बचा है, उसमें 5% मैंने ये चारकोल यानी कि कोयला, जो लकड़ी का जला हुआ कोयला होता है वो लिया है, और बाकी 5% में मैंने ये ब्रिक चिप्स होते हैं उसको मैंने थोड़ा सा कूट करके डाला, ये भी 5% है, और बाकी 10% में परलाइट, नीम केक एंड बोन मील है। तो फ्रेंड अब हम इसका मिक्सचर तैयार करते हैं। और फ्रेंड मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि आप जो हैं YouTube पर काफ़ी वीडियोस देखते होंगे कि एडेनियम के लिए सॉइल में ये डालें, एडेनियम के लिए सॉइल में वो डालें। तो फ्रेंड ध्यान रखें कि हर किसी का अपना एक मेथड होता है सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए, तो आप अपने उस मेथड को फॉलो करें। सिर्फ दिमाग में आपको एक बात रखना है कि एडेनियम को उस तरह की सॉइल पसंद होती है जो कि डेजर्ट एरिया में होती है, जो कि रेगिस्तानी एरिया में होती है। तो उस तरह के एरिया में जो है वो सबसे ज़्यादा रेत की क्वांटिटी होती है। तो आप इसको 40% से बढ़ा करके, जो रेत है 40% से बढ़ा करके 50% भी कर सकते हैं, और बाकी क्वांटिटी जो मैंने काउडंग कंपोस्ट या फिर गार्डन सॉइल और अदर इंग्रेडिएंट के लिए उसकी क्वांटिटी को आप एडजस्ट कर सकते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि आपको ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप कोकोपीट भी यूज़ कीजिए। तो मेरी एक बात ये समझ में नहीं आती कि जब एडेनियम एक डेजर्ट रोज है, मतलब ये एक रेगिस्तान में रहने वाला पौधा है, तो इसको कोकोपीट कैसे पसंद हो सकता है, जबकि कोकोपीट में तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और इतनी ज़्यादा होती है कि वो रूट को गला भी सकता है। हाँ, कोकोपीट का इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब हम इसके सीड को जो है प्रोपेगेट करना होता है, ये इसकी सीड को जर्मिनेशन चाहिए होता है, तब हमें मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है। बाकी तो ये है कि आप इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगाइए कि आपने पानी डाला और कुछ देर में ही पानी जो है वो ड्रेन आउट हो गया। और फ्रेंड एक बात और कि इसके पॉट के लिए जो पॉट सेलेक्शन है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इसके ग्रोथ के लिए, इसके कोडेक्स की को फैटी बनाने के लिए। तो आपको पॉट का सेलेक्शन इस तरह से करना है
कि वो ज़्यादा डीप ना हो करके वो शैलो पॉट होना चाहिए। जैसे फ्रेंड देखिए, मैंने जितने भी पॉट लिए हैं वो शैलो पॉट है, और स्पेशली मैंने एडीनियम के लिए ये पॉट जो हैं पॉट मेकर से जा करके और ये बनवाए थे। तो आप देखिए इनकी जो मतलब ये 2 इंच तक ही इसकी डेप्थ होगी। तो कोशिश ये कीजिए कि आप जो है इसको थोड़े शैलो पॉट में ही ग्रो कीजिए। तो शैलो पॉट में ग्रो करने से क्या होता है, क्योंकि इसका डीप रूट सिस्टम तो होता नहीं है, तो शैलो पॉट होने से क्या है कि जो कॉडेक्स है वो कुछ देर में ही फैटी होता है, मतलब कम टाइम में फैटी होता है, उसको स्पेस अच्छे से मिल जाता है। और तो चलिए पहले हम अब मिक्सर को तैयार करते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये 40% क्वांटिटी है, तो मैंने इसको यहाँ में ले लेता हूँ। फिर ये हमारे पास बचा था 20% जो हमारी गार्डन सॉइल है वो मैं मिलाता हूँ। और ये 20% जो काउडंग कंपोस्ट था। बाकी 20% में जो हमारे पास अदर इंग्रेडिएंट्स है, कोयला कुटा हुआ, जो लकड़ी का जला हुआ कोयला था वो, और ये भी है उसके छोटे छोटे चिप्स तोड़े थे, और परलाइट, नीम केक और बोन मील। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करते हैं। अच्छा फ्रेंड, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जो कोयला और ये जो हमने ईंट का गट्टा जो कुटा हुआ है ये हम क्यों डालते हैं। तो इन दोनों का एक रीज़न है कि कभी भी अगर आपकी सॉइल सॉगी हो जाती है या उसमें गलती से पानी पड़ जाता है, कभी कभी क्या रहता है कि आप घर से बाहर हैं और आपके एडेनियम जो है इस तरह के ओपन एरिया में रखे हुए हैं कि बारिश बहुत तेज़ की पड़ जाती है, तब जो ये ईंट के चिप्स हैं और ये जो कोयला है ये क्या काम करता है कि ये एक्स्ट्रा मॉइस्चर को अपने अंदर होल्ड करके रखता है, और ये मॉइस्चर को तब रिलीज़ करता है जब सराउंडिंग्स जो हैं वो ड्राई होने लगती हैं। तो क्या मतलब है कि जब सराउंडिंग्स ड्राई हो जाती हैं तो कोयला और ये जो चिप्स में जो वाटर स्टोर रहता है ये स्लोली रिलीज़ करता है और रूट्स को नरिश भी करता है। साथ में क्या होता है कि इसके मिलाने से जो है जो सॉइल है उसकी जो नेचर है वो ठंडा बना रहता है, तो एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ये रूट जोन के सराउंडिंग्स। तो फ्रेंड अब हम बात करते हैं कि पॉट किस तरह से तैयार किया जाता है। तो देखिए जैसे मेरे पास ये पॉट है और इसमें 3 होल्स हैं, तो पहले अब हम इन होल्स को जो है इन ठीकरी से कवर करेंगे। तो मैंने ये होल्स कवर कर दिए। अब हमारे पास जो ये ईंटों का थोड़ा सा गट्टा कुटा हुआ है ये हम इसमें डाल देंगे। इसके डालने का पर्पज़ है कि जो होल्स हैं वो उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो वेल ड्रेन्ड हो जाए, अच्छा हो जाए। अब इसके बाद हमने जो ये अपना सॉइल मिक्सचर तैयार किया हुआ है फ्रेंड इसको डालते हैं। ये डाला। अब इसके बाद जो हमारे पास फ्रेंड ये एडीनियम है, अब इसको लगाना किस तरह से है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड बहुत से लोग क्या है कि बहुत रूट को ऊपर की साइड करके लगाते हैं, तो क्या होता है रूट ड्राइनेस होने से पेड़ भी ड्राई हो जाता है। तो आपको सिर्फ इतना लगाना है कि जहाँ से आपको मैक्सिमम रूट दिख रही हैं वहाँ से आपको वो एरिया जो है मैक्सिमम रूट वाला एरिया वो सॉइल के अंदर करना है, और बाकी जो पोर्शन है वो ऊपर की तरफ रखना है। जैसे फ्रेंड देखिए जैसे यहाँ पर ये रूट निकल रही है, यहाँ है, लेकिन मैक्सिमम रूट का जो इमर्जेंस है वो यहाँ से है,
तो ये वाला जो एरिया है, ये वाइट पोर्शन जो दिख रहा है, हम इसको सॉइल में इंसर्ट कर देंगे और थोड़ा अलाइनमेंट भी देख लीजिएगा आप, बिल्कुल बीचों बीच में होना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, ये कोडेक्स जो है, कोडेक्स ऊपर की साइड रहना चाहिए और जो रूट्स हैं वो बिल्कुल हमने नीचे की तरफ जो है इसमें दबा दी हैं। और सॉइल को आप पूरा ही भर दें, क्योंकि क्या है कि अगर इसमें थोड़ी सी जगह भी खाली रहेगी और पानी डालेंगे तो वो पानी इसमें ठहर जाएगा और कहीं ना कहीं सॉगीनेस होगा। तो उस सॉगीनेस को बचाने के लिए और पानी के ठहराव को बचाने के लिए कोशिश यही करें कि बहुत थोड़ा सा पोर्शन छोड़ के बाकी पॉट को मिट्टी से फिल कर दें, और हो सके तो इस सॉइल को, सॉइल इरोजन से बचाने के लिए कुछ जो ये ईंटों का गट्टा जो हमारे पास था, इसको आप थोड़ा सा इस तरह से चारों तरफ इसको डाल दें। तो क्या होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा, मतलब सॉइल उड़ेगी नहीं आपकी, अपनी जगह पर बैठी रहेगी। तो फ्रेंड मैं और प्लांट एडिनियम के रिपोर्ट कर लेता हूँ, फिर मैं उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि ये सब किस तरह से लग रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर मैंने सभी एडिनियम को रिपोर्ट कर लिया है, और रिपोर्ट करने के बाद जो है मैंने इसको थोड़ा सा इसके जो अपर सरफेस है उसको थोड़ा सा भारी करने के लिए, ताकि एडिनियम जो है निकल के कहीं चला भाग ना जाए, मतलब थोड़ी सी हवा चले या कुछ चले उससे पता लगे कि ये निकल जाए, क्योंकि बहुत शैलो रूट्स हैं और ऊपर ही रखा हुआ है। तो मैंने इसको ब्रिक चिप से थोड़ा सा कवर किया हुआ है, और ब्रिक चिप से कवर करने के बाद मैंने थोड़ा सा इसके बेस पर फंजीसाइड पाउडर डाला हुआ है। यहाँ फ्रेंड्स सभी में देखिए, ये फंजीसाइड पाउडर पड़ा हुआ है। तो इस फंजीसाइड पाउडर के डालने का एक मेन पर्पज़ ये है कि यहाँ पर इसमें अगर कोई भी फंगल कंटामिनेशन होगा तो वो इसको ख़त्म कर देगा। और मैंने जो ये फंजीसाइड पाउडर यूज़ किया है फ्रेंड, ये कार्बन डेजिम है, ये भी सिस्टमिक फंजीसाइड है। अगर आपके पास कार्बन डेजिम नहीं है तो साफ करके एक फंजीसाइड आता है जो कार्बन डेजिम प्लस मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और वो शायद ब्लू कलर में भी रहता है, मैंने वाइट कलर वाला यूज़ किया। फंजीसाइड आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड जैसे कि आपने देखा, मैंने सारे एडिनियम्स के प्लांट को इन पॉट में जो है रिपोर्टिंग कर दिया है। और रही बात वाटरिंग की, तो वाटरिंग में फ्रेंड्स कल करूँगा, आज मैं वाटरिंग नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं आज वाटरिंग करता हूँ तो इमीडिएट शॉक की वजह से प्लांट हो सकता है कि वो उसमें प्रॉब्लम आ जाए। तो वैसे ऐसा कोई रूल नहीं है, आप उस सेम डे भी आप वाटरिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रिकॉशनरी जो है वो कल ही वाटरिंग करूँगा इसमें। और वाटरिंग जो है फ्रेंड, मैं क्या करूँगा कि जब मैं वाटर डालूँगा तो वाटर में थोड़ा सा, यानी कि एक लीटर वाटर में 1 टीस्पून या 1 मिलीग्राम के अराउंड जो है मैं पाउडर डिजोल्व करके फंजीसाइड का, उसी से वाटरिंग करूँगा। और वाटरिंग करने के बाद फ्रेंड, अभी मैं 5 से 6 दिन तक के लिए शेडी एरिया में ही रखूँगा, इमीडिएटली मैं इसको धूप में ट्रांसफ़र नहीं करूँगा। जो सन में मुझे ट्रांसफ़र करना है वो मैं थोड़ा थोड़ा करके करूँगा, लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैंने 2 घंटे मॉर्निंग आवर की जो सनलाइट है उसमें 2 आवर्स के लिए किया है, फिर नेक्स्ट डे मैं 4 आवर के लिए, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मैं शिफ्ट करूँगा ताकि प्लांट एक्लेमेटाइज हो जाएं उसके लिए। तो आप भी इसी बात का ख्याल रखें कि अगर आपने रिपोर्ट किया है तो ना तो इमीडिएटली वाटरिंग करें और ना ही उसको एकदम से डायरेक्ट सन में जो है ट्रांसफ़र करें। ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले 4 से 5 दिन तक का प्लांट को रेस्ट लेने दीजिए, उस एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए आप एक्लेमेटाइज होने दीजिए, थोड़ा थोड़ा सा आप उसको धूप दिखाइए ताकि वो एक्लेमेटाइज होता चला जाए, उसके बाद आप जो है प्रॉपरली उसको फुल सन में रख सकते हैं। और फ्रेंड सॉरी फॉर कि अगर आज की वीडियो क्वालिटी अगर आपको ख़राब लगी है तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। और फ्रेंड थोड़ा सा हमारे यहाँ क्या है कि काम कंस्ट्रक्शन का वर्क भी चल रहा था और मौसम भी थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है, तो मैंने सोचा कि इनको जल्दी जल्दी बारिश पड़ने से पहले ही मैं इसको ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, क्योंकि अगर बारिश पड़ जाती है तब ये प्रॉब्लम करते हैं एडिनियम। हालांकि एडिनियम जो है हार्डी प्लांट है, लेकिन अगर आप इसके साथ में वाटरिंग करेंगे और सन नहीं दिखाएंगे आप इसको तो ये आपका साथ छोड़ देगा। तो मुझे आज ये वर्क इमीडिएटली करना पड़ा, और जब मैं वर्क कर रहा था तो मैंने सोचा ये वीडियो जो मैंने आपसे वादा किया था कि ये रिपोर्टिंग की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो वो वादा मैं अपना पूरा कर रहा हूँ।
और फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो थम देना ना भूलिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।